أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين والعاقبة للمتقين قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد في سورة النساء بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم अल्हम्दुलिल्लाह। इससे कबल हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के सूरह निसा की 87 आयात के हवाले से तफसीर अर्ज़ कर चुके हैं और आज जिन आयत तैयबा जिस आयत तैयबा की मैंने तिलावत की और उसके बाद जो आयत आ रही हैं इनमें ख़ास तौर पर मुनाफिकीन के अहकाम बयान किए गए हैं। इनके मुख्तलिफ गिरोह थे तो इन मुख्तलिफ गिरोह के एतबार से मुख्तलिफ अहकाम बयान किए गए। तो आयत तैयबा की अल्लाह जल्ल शानुहु ने यूँ इब्तिदा फरमाई कि फ़मा लकुम फिल मुनाफिकीना, ए मुसलमानों तुम्हारे मुनाफिकीन के बारे में दो गिरोह क्यों हो गए। फ़ियतैन, बात यह थी कि जब नबी अलैहिस्सलाम ग़ज़वा उहुद से वापस तशरीफ़ लाए तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अब हम मुनाफिकों की ख़बर लेते हैं जिन लोगों ने मैदान जहाद में हम लोगों को छोड़ा और छोड़ के चले गए थे। तो इस पर मुसलमानों की दो राय हुई और एक गिरोह का ख्याल ये था कि वो मुसलमान हैं उनसे तआरुज़ ना किया जाए और एक गिरोह का ख्याल ये था कि वो मुसलमान नहीं है इसलिए उनको पकड़ा जाए, उनको सज़ा दी जाए कि मैदान जहाद में उन लोगों ने कमर दिखाई और मुसलमानों को तन्हा छोड़ गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन मुस्लिमीन की इसी कैफियत के बारे में इरशाद फरमाया कि तुम्हें क्या हो गया, तुम मुनाफिकों के बारे में दो गिरोह हो गए हो। वल्लाहु अरकसहुम बिमा कसबू, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके करतूतों की वजह से उनके औंधे मुँह गिरा दिया, यानी उनकी गुमराही की वजह से जो गलत हरकतें करते थे उसकी वजह से अल्लाह ने उनको उल्टा कर दिया, गुमराह कर दिया। आतुरीदून अन तहदू मन अदल्लाह, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम उन लोगों को हिदायत दे दो जिनको अल्लाह ने गुमराह कर दिया है। तो यहाँ पर सहाबाए किराम का इख्तलाफ था, दोनों की राय थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन सहाबाए किराम की तस्वीर फरमाई कि जो इस बात के हक में थे कि इन लोगों से क़िताल किया जाए क्योंकि वो लोग गुमराह थे। तो फरमाए कि वमई युद्लिल्लाहु फलन तजिद लहु सबीला, और जिसको अल्लाह तबारक व तआला गुमराह फरमा दे तो तुम हरगिज़ भी उसके लिए कोई रास्ता नहीं पाओगे। तो जो यानी अपनी गुमराही की वजह से अपनी हरकतों की वजह से इस हद को पहुंच गया है, जैसा कि हमने सूरह बकरा के इब्तदा में ये बात बयान की थी कि ख़त्म अल्लाह अला क़ुलूबिहिम के तुफ़ैल के तहत कि जब बंदा गुनाह करता है गुनाह करते 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 उसका दिल पूरा का पूरा स्याह हो जाता है, तो अब उसके लिए हिदायत के दरवाज़े बंद हो जाते हैं। और उसकी हमने मिसाल ये दी थी कि जिस तरह का मरीज़ होता है कि एक हद तक उसका इलाज मुमकिन हो सकता है, लेकिन जब वो अपनी बीमारी में इस हद को चला जाए डॉक्टरों की तमाम हिदायत की परवाह ना करे, दवा इस्तेमाल ना करे, तो फिर डॉक्टर कह देते उसके बारे में कि अब ये दुरुस्त नहीं होगा और फलां तारीख तक मर जाएगा। तो इसी तरह इन लोगों का मामला था कि इन लोगों ने मुनाफ़िकत पर मुनाफ़िकत की और नबी अलैहिस्सलाम के अहकामात इरशादात का इनकार करते रहे, अल्लाह के अहकामात का इनकार करते रहे। तो जब ये अपनी गुमराही में मुकम्मल हो गए, अब इनकी वापसी का कोई रास्ता नहीं था, तो अल्लाह ने यही इरशाद फरमाया कि जिसको अल्लाह गुमराह कर दे तो अब उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। और गुमराही की नस्बत अल्लाह तबारक ने अपनी जानिब की कि वो गुमराह करने वाला वो मुदिल है, बिलाशुबा ये अल्लाह की सिफात में से है। और इससे ज़ाहरी माना यही होता है कि जब बंदा किसी काम का इरादा करता है तो अल्लाह तबारक उसके इरादे के तहत उन असबाब को पैदा फरमा देता है जिससे वह आमाल का इक्तसाब करता है। तो चूँकि उन असबाब को पैदा फरमाने वाला बंदे को पैदा फरमाने वाला बंदे के जिस्म में ताकत को पैदा फरमाने वाला वो अल्लाह तबारक व तआला ही है, तो इसलिए हकीकी तौर पर नस्बत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ की जाती है। फरमाया कि वद्दू लौ तकफुरून कमा कफरू, तो वो लोग तो ये चाहते हैं मुनाफिकीन जिनके बारे में तुम्हारे दो गिरोह हो गए हैं, ये तो ये चाहते हैं कि तुम लोग भी कुफ्र कर लो जिस तरह के उन्होंने कुफ्र किया। फतकून सवा, ताकि तुम और वो फिर बराबर हो जाए। फला तत्तखिज़ू मिनहुम औलिया, ए मुसलमानों तुम उन मुनाफिकों को अपना दोस्त ना बनाओ।
ये जब तक सच्चे मुसलमान ना हो जाएं, ये दोस्ती की जो अल्लाह तबारक व तआला ने ममानियत फरमाई ये उसकी एक हद थी। यानी ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए अब उनसे दोस्ती ख़त्म हो गई। हाँ, जब तक वो मुनाफिक रहेंगे तो हमेशा के लिए दोस्ती ख़त्म है, लेकिन जब वो अपने मुनाफ़त से तौबा कर ले, सच्चे मुसलमान हो जाएं, और सच्चे मुसलमान होने की अलामत ये थी कि वो हिजरत करें, क्योंकि हिजरत उस ज़माने में फ़र्ज़ थी। तमाम लोग जो कि कलमा इस्लाम पढ़ते थे और मुसलमान हो गए थे, तो उन सब पर ये लाजिम कर दिया गया था कि वो अपने अपने कबाइल को छोड़ के, अपने अपने इलाक़ों को छोड़ के दारुल इस्लाम में आ जाए, यानी मदीना मुनव्वरा में आ जाए। तो फरमाया कि ला तत्तखिज़ू मिनहुम औलिया, तुम उनको अपना दोस्त ना बनाओ, हत्ता युहाजिरू फी सबीलिल्लाह, जब तक कि वो अल्लाह के राह में हिजरत ना कर लें। तो उस ज़माने में हिजरत फ़र्ज़ थी। तो यहाँ पर बुजुर्गान दीन रहिमहुल्लाह ने बड़े अच्छे नुकात बयान फरमाए कि ये हिजरत का जो हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर अता फरमाया, तो इसके तहत ये है कि जिस मुसलमान के भी दीन को ख़तरा हो किसी इलाके में रहते हुए, तो उसके ऊपर वाजिब है कि वो वहाँ से हिजरत कर जाए और अपने ईमान को बचाए और ऐसे मुकाम पर चला जाए जहाँ पर वो अपने दीन पर आज़ादी के साथ अमल कर सके। और जो कोई शख्स अपने दीन को बचाने के लिए हिजरत करता है तो उसको अल्लाह तबारक व तआला उस ज़ुमरे में उठाएगा जो सैयदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत करने वालों का ज़ुमरा है, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जो हिजरत फरमाई। फरमाया कि फ़इन तवल्लौ फ़खुदूहुम वक्तुलूहुम हैथु वजदतुमूहुम, और अगर ये मुनाफिकीन, ये लोग जो ज़ाहिरी तौर पे कलिमा पढ़ते हैं लेकिन हिजरत से इनकारी हैं, ये लोग अगर तुम्हारी बात से इनकार कर दें फिर जाएं, फ़खुदूहुम, तो उनको पकड़ो, वक्तुलूहुम, उनको कत्ल कर दो, हैथु वजदतुमूहुम, जहाँ पर तुम उनको पाओ। वला तत्तखिज़ू मिनहुम वलीयम वला नसीरा, और तुम इनमें से किसी को अपना दोस्त ना ठहराओ ना मददगार बनाओ। तो यहाँ पर यह भी ममानत कर दी गई है कि मुसलमान कुफार से मदद नहीं लेंगे, उनको अपना नसीर मददगार नहीं बनाएंगे, अपना वली नहीं बनाएंगे। तो ये तमाम की तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए एक अहम बात है कि आज हम लोगों ने अपना सारा तकिया कुफार, मुशरिकीन और गैर मुस्लिमों पर किया हुआ है, और उनके पोल में जाकर हम समझते हैं कि हम महफूज हो गए हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर मना फरमा दिया कि तुम कुफार को अपना दोस्त ना बनाओ। हाँ, अलबत्त अपने सियासी समाजी मामलात को चलाने के लिए इंटरनेशनली इंसान ताल्लुकात रखता है, लेकिन उन पर तकिया करना, उनको पूरा तौर पर अपना मददगार जानना, ये कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की तालीमात के ख़िलाफ़ है। फरमाए कि इल्लल्लज़ीना यसिलूना इला क़ौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक़, सिवाय उन लोगों के कि जो पहुँच जाए ऐसी कौम की तरफ कि जिसके बीच में और तुम्हारे बीच में कोई मुआहिदा हो। तो असल में बात यह थी कि नबी अलैहिस्सलाम जब मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ़ ले जा रहे थे तो वहाँ पर कबीला असलमा के कबीला बनु असलम के सरदार थे हिलाल बिन उमर अल असलमी, ये मुसलमान नहीं थे। तो नबी अलैहिस्सलाम और इनके दरमियान में एक मुआहिदा तय पाया था, वो ये तय पाया था कि मुसलमान उनसे कोई तआरुज़ नहीं करेंगे, मुसलमान उनसे कोई जंग नहीं करेंगे, और ये लोग कुफ्फार का साथ नहीं देंगे। तो अब ना मुसलमान इनसे जंग कर सकते थे इस माहदे के तहत, और ना वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ किसी काफिर की मदद कर सकते थे। तो इस माहदे के तहत जो लोग भी उनके कबीले के थे वो भी इस माहदे के अंडर आ जाते हैं, और जो लोग उनकी पना में चले जाएं तो वो भी उसके अंडर आ जाते हैं। तो वो माहदा उनको भी कवर करता था। तो अब मुनाफिकीन में से वो लोग जो या तो उसी कबीले से ताल्लुक़ रखते थे या ये कि इनके पास जाके पना गुजी हो गए थे, तो उनके बारे में इरशाद फरमाया कि हाँ, उनको कत्ल ना करो कि जो तुम्हारे इस वक्त जो हलीफ था जिससे तुम्हारा मुआहिदा हो चुका था, यानी हिलाल बिन उमर अल असलमी के कबीले से, तो जो उन तक पहुंच जाए तो उनको ना छेड़ो, क्योंकि वो मुआहिद के पास चला गया है। और इस्लाम में मुआहिदे की, अहद की बड़ी अहमियत है, और बार बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को उसकी तालीम दी, कुरान इसकी तालीम देता है। आप अलैहिस्सलाम अक्सर अपने खुतबे में फरमाए करते थे ला अहदा ला दीन लिमन ला अहदा लहू, उसका कोई दीन नहीं है जो अपने माहदे की पासदारी नहीं करता। तो यहाँ पे हुक्म दिया गया कि इल्लल्लज़ीन यसलूना इला क़ौमिन बैनकुम व बैनहुम मीथाक, तो उन लोगों को कत्ल ना करो कि जो लोग पहुँच जाए किसी ऐसी कौम के पास के जिसके दरमियान में और तुम्हारे दरमियान में कोई माहदा हो। औ जा हसरत सुदूर हम युकातिलुकुम औ युकातिलु क़ौमहुम, या ये कि वो तुम्हारे पास आएँ कि जिनके सीने तंग हो गए हैं
उनके सीनों में रोब पैदा कर दिया गया है। क्या युकातिलुकुम, कि वो तुमसे किताल नहीं कर सकते, और युकातिलु कौमहुम, ना अपने कौम से किताल कर सकते हैं, तो उनको भी कत्ल ना किया जाए। फरमाए कि वलव शाअल्लाहु लसल्लतहुम अलैकुम फलकातलूकुम, तो अगर अल्लाह तबारक व तआला उनको ताकत दे देता तुम्हारे मुकाबले में तुम पर, तो वो ज़रूर तुमसे किताल करते हैं। तो अब मुसलमानों को ये बड़ी आला तालीमत दी जा रही है कि आज हम लोग इस तालीम से बेखबर हैं और समझते हैं कि दुश्मन पर जब मौका मिल जाए तो अब उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अमूमन हमारी लाइफ में यही होता है कि जिससे हम डरते हैं तो उससे बाज रहते हैं, लेकिन जिस पर हम काबू पा सकते हैं तो फिर उसको छोड़ते नहीं हैं। यहाँ पर बड़ी आला किस्म की तालीमात अल्लाह तबारक ने दी है कि अगर ऐसे लोग जो तुमसे ताकत ना होने की वजह से या खौफ की वजह से तुमसे किताल नहीं कर सकते हैं और ना ही तुम्हारे साथ मिलकर अपनी कौम से किताल कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको ताकत मिल जाए तो यह बात ज़रूरी है कि वो तुम पर हमला कर देंगे अपनी कौम के साथ मिलकर। तो अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि वलव शाअल्लाहु लसल्लतहुम अलैकुम, अगर अल्लाह ताला चाहे तो उन लोगों को मुसल्लत कर देता तुम पर, फलकातलूकुम, तो वो ज़रूर तुमसे किताल करते हैं। फैनातज़लूकुम, तो बस अगर वो तुमसे किनारा कशी कर लें, यानी इस कैफियत में जब अपने कौम से भी बना के रखते हैं और तुम से भी बना के रखते हैं, तो अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है कि अगर वो तुमसे किनारा कशी कर लें, फलम युकातिलूकुम, और तुमसे वो किताल ना करें, वह अलकौ इलैकुमुस्सलम, और तुम्हें ये सुलह का पैगाम दें, फमा जअलल्लाहु लकुम अलैहिम सबीला, तो अब अल्लाह की तरफ से तुम्हें कोई इख्तियार नहीं है कि तुम उनके ऊपर कोई हमला करो या उनको नुकसान पहुंचाओ। यहाँ पर मुफस्सिरीन ने एक और बड़ी अहम बात बयान फरमाई कि इन लोगों का मामला ये था कि ये लोग आए थे इसी कबीले के लोग, ये बनू असलम के लोग, और इनमें से उन कुछ लोगों ने आगे इस्लाम कबूल किया और मुसलमानों से कहा कि हम मुसलमान हो गए हैं, और इनका मकसद असल में यही था कि अपने आप को बचाया जाए। फिर अपने कबीले वाले से भी इन लोगों ने गांठ के रखी हुई थी, अपने कबीले वाले से भी इन लोगों ने, जब इन कबीले वाले ने उनसे पूछा कि अगर तुम मुसलमान हो गए हो, क्या ईमान ले आए हो तुम, तो उन्होंने कहा कि ना, मैं ईमान नहीं लेकर आया, हम तो तुम्हारे जैसे ही हैं। तो बहरहाल अल्लाह तबारक तआला उनके बारे में कैफियत बयान कर दी कि बहरहाल इनके ऊपर जब ये लोग तुमसे मुआहदा कर रहे हैं और तुम्हारे से सुलह का पैगाम दे रहे हैं, तो इन पर भी हमला ना किया जाए। सतजिदून आखरीन युरीदून अन यामनूकुम, और उनमें से बाज़ वो हैं जो तुमसे भी अमन चाहते हैं, व यामनू कौमहुम, और अपनी कौम से भी अमान में चाहते हैं। तो ये कबीला बनू असद और बनू गदफान के हवाले से आयत तैयबा है। इन लोगों का ये मामला था कि ये लोग आए थे और मुसलमान हुए थे, और सिर्फ इस नीयत से मुसलमान हुए थे कि मुसलमानों की तलवारों से हम बच जाएं। उन्होंने बाकायदा कलमा तैयबा की गवाही दी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा, लेकिन नीयत सिर्फ ये थी कि मुसलमानों से बच जाएं। और जब अपने कबीले के पास गए और कबीले वालों ने कहा कि भाई सुना कि तुम लोग मुसलमान हो गए हो, तुम लोग ईमान ले आए हो, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम लोग ये बंदर, खनाजिर, पिस्सू, मच्छर, मक्खी पे ईमान ले आए। तो कहने का मकसद ये था माज़ल्लाह कि हम लोग तो तुम्हारे जैसे ही हैं, मुसलमानों पे ईमान नहीं लेके आए, उनके दीन, उनके मुसलमानों के दीन को हमने कबूल नहीं किया। तो अल्लाह फरमाता उनके बारे में, सतजिदून आखरीन युरीदून यामनूकुम व यामनूकौमहुम, कि तुम पाओगे दूसरे बाज़ लोगों को जो चाहते हैं तुमसे भी अमन और अपने कौम से भी अमन। कुल्लमा रुद्दू इलल फितनति उर्किसू फीहा, लेकिन जब जब उनको फितने की तरफ डाला जाएगा तो वो फितने में मुंह के बल गिर जाएंगे, यानी जब भी उनको ताकत मिले और उनको उसा के मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ाया जाएगा तो वो फ़ौरन मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो उनके बारे में फरमाया कि फ़इन लम यअतज़िलूकुम वयुल्कू इलैकुमुस्सलम वयकुफ्फू अयदीहुम फ़खुदूहुम वक्तलूहुम हैथु सक़िफ़्तुमूहुम, तो अल्लाह तबारक तआला उनके बारे में अहकाम देता है, तो अगर वो तुमसे किनारा कशी ना करें, यानी तुमसे लड़ाई को ना, तुमसे यानी लड़ना ना छोड़ें, और तुमसे ये सुलह की बात ना करें और अपने हाथों को ना रोकें,
तो ऐसी सूरत में फिर तुम्हारे लिए है कि तुम उनको पकड़ो, उनके कलमे की परवाह ना करो, ये मुनाफिकीन है, और उनको कत्ल करो जहां पर तुम उन्हें पाओ। औलाइकुम जअलना लकुम अलैहिम सुल्तानन मुबीना, और ये हैं वो जिन पर हमने तुम्हें सरी इख्तियार दिया है। इनके बारे में मुसलमानों को इख्तियार दे दिया था अल्लाह तबारक व तआला ने कि इन मुनाफिकीन को बहरहाल पकड़ा जाए और इनके साथ रियायत ना की जाए, क्योंकि ये तो सिर्फ अमन हासिल करने के लिए दोनों जानिब जो है आए हुए थे, वरना थे हकीकतन कुफार के साथ ही। तो इसलिए पहले इनकी कैफियत भी बता दी कि इनको जब मौका मिलेगा मुसलमान पर हमला कर देंगे। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कत्ल ख़ता के हवाले से बात बयान फरमाई, एक हुक्म शरी बयान फरमाया। कत्ल आमतौर पर यह होता है कि इंसान गलती से कत्ल कर देता है, उसका कत्ल करने का इरादा नहीं था। मसलन ये है कि कोई शिकार को तीर मार रहा था, ये गोली मार रहा था और हाथ बहक गया उसका, तो वो गोली किसी इंसान को लग गई, वो मर गया। या ये है कि किसी को गैर मुस्लिम समझा और उसको गैर मुस्लिम समझ के कत्ल किया, पता चला कि वो मुसलमान निकला, तो ये कत्ल ख़ता है। इस कत्ल ख़ता के अहकाम भी इस्लाम ने तफसीली बयान फरमाए, उनमें से कुछ इजमाली तौर पर यहाँ पर है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वमा कान अली मुमिनिन अन यक्तुला मुमिनन इल्ला खता, के मोमिन को ये इख्तियार नहीं पहुँचता कि किसी मोमिन को कत्ल करे सिवाय के गलती से कोई कत्ल हो जाए। तो इस आयत तैयबा की शान नज़ूल के हवाले से सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि यह अय्याश बिन रबिया के हवाले से आयत तैयबा नाजिल हुई, और अय्याश बिन रबिया ये मक्का मुअज़्ज़मा के रहने वाले थे। इन्होंने मदीना मनवरा हाजिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया था, और फिर अपने घर वालों से बचने के लिए ये मदीना मनवरा के टीलों में कहीं जाकर छुप गए थे, पहाड़ियों में कहीं जाकर छुप गए थे। तो इनकी माँ बड़ी इनकी मोहब्बत में बेकरार हुई और उसने अपने बेटों से कहा, जिसमें इनके सुतेले भाई थे, एक अबू जहल था और एक दूसरे हारिस थे, तो उनसे कहा कि जब तक मैं उस वक्त तक ना खाऊंगी ना पीऊंगी ना साए के नीचे आऊंगी जब तक कि तुम मेरे बेटे अय्याश को लेकर आओ। तो ये दोनों के दोनों हजरत अय्याश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलाश में निकले, मदीना मुनव्वरा में पहुँचे तो हजरत अय्याश चटान पर तीर लेकर खड़े हो गए, तो इन लोगों ने अल्लाह के वास्ते दिए उनको और कहा कि हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएँगे, हम तो तुम्हारी माँ की वजह से तुम्हें लेने के लिए आए हैं, उसने तुम्हारी मोहब्बत में खाना पीना छोड़ दिया है, तो तुम मेहरबानी करो, तुम आ जाओ हमारे साथ। जब इन्होंने अल्लाह अज़्ज़ल के नाम पर अहद लिया तो फिर ये उतर के चले आए। तो मदीना मुनव्वरा से जब बाहर निकले तो उनको फिर ऊँट की जो नकील थी उसके साथ उनको बांध दिया, और दोनों में से हर एक ने, अबू जहल ने भी और हारिस ने भी, उनको सौ सौ कोड़े मारे और ले जाके अपनी माँ के पास डाल दिया। माँ ने कहा कि बेटा मैं मर जाऊँगी जब तक तुम इस दीन को नहीं छोड़ोगे। तो ये माँ को देखकर उनकी मोहब्बत में कह उठे कि ठीक है मैं छोड़ता हूँ, तो उनकी रस्सियाँ खोल दी गई। और फिर ये हारिस आए और हारिस ने आकर इनसे कहा कि अगर तुम सच्चे दीन पे थे तो फिर तुमने इसको दीन को क्यों छोड़ दिया है, अगर ये दीन गलत था तो तुमने इसको क्यों इख्तियार कर लिया। तो इस पर फिर उन्होंने कहा था कि मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें कत्ल करूँगा मैं। और फिर ये वहाँ से निकले और वापस मुसलमान हुए, और फिर वापस मदीना मुनव्वरा हाजिर हो गए मुसलमान होकर। फिर ये मदीना मुनव्वरा आ चुके थे, इसी दौरान में इस्लाम का पैगाम चुके वहाँ पे मक्का मुअज़्ज़मा में पहुँच तो चुका था। वो हारिस जो थे, हारिस बिन रबिया, वो भी मुसलमान हो चुके थे, तो वो भी हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में आ गए। इत्तफाकी बात है कि कुबा के मकाम के पीछे से हारिस गुजर रहे थे और अय्याश को अभी तक मालूम नहीं हुआ था कि वो मुसलमान हो चुके, तो इन्होंने मौका देखा तो अपनी कसम को पूरा किया और हारिस को कत्ल कर दिया, ये सोचकर कि ये मुशरिक है, ये काफिर है। लोगों ने जब बाद में इनको बताया कि भाई ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर मुसलमान हो गए थे, तो उस पर बड़े शर्मिंदा हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर सारे मामले को पेश किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर आयत तैयबा नाज़िल फरमाई कि किसी मुसलमान को, मोमिन को इख्तियार नहीं है कि किसी मोमिन को कत्ल करे सिवाय ये कि गलती से हो जाए। तो अब गलती से हो जाए तो फिर इसका इजाला क्या है, फरमाया कि वमन क़त्ल मोमिनन ख़तअन फ़तहर्रु रक़बतिन मोमिना व दियतुन मुसल्लमतुन इला अहलिही इल्ला अन यस्सद्दक़ू, कि जो कोई भी किसी मोमिन जान को गलती से कत्ल कर देता है तो कफ़ारे के तौर पर उस पर एक मोमिन गुलाम आज़ाद करना है
और पूरी की पूरी दैयत देनी है उसको, उसके मकतूल के अवलिया को, मकतूल के घर वालों को, सिवाय ये कि मकतूल के घर वाले छोड़ दें उसको या कुछ कमी कर दें तो वो अलग बात है, वरना देनी पूरी है। तो ये मुसलमान के बारे में बयान हुआ कि उसका हुक्म ये है। फ़ैन कान मिन क़ौमिन अदुविन लकुम वो मुमिनुन, और अगर वो बंदा जिसको गलती से कत्ल कर दिया गया वो था तो मुसलमान, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि अगर वो उस कौम से है जो तुम्हारे दुश्मन है, दरहाली के बंदा मोमिन था, तो फिर उसका कफ़ारा के फ़तहरीर रक़बतिन मोमिनतिन, तो उसके लिए कफ़ारे के तौर पे एक ग़ुलाम आज़ाद किया जाएगा और उसके लिए दियत नहीं है। दियत यानि खून बहा जिसे कहते हैं। फरमाया कि वह इन कान मिन क़ौम बैनकुम व बैनहुम मीथाक, और अगर वो बंदा किसी ऐसी कौम से ताल्लुक़ रखता है कि जिसके बीच में और तुम्हारे बीच में कोई मुआहिदा है, कोई मीथाक है, तो उसे इस्लामिक इस्तलाह में ज़िम्मी कहा जाता है, जो इस्लामी हुकूमत के तहत मुआहिदा करके रहते हों, तो अल्लाह ताला उसके बारे में इरशाद फरमाता, अब खा वो मुसलमान हो खा काफिर हो, अगर ज़िम्मी कौम का है तो उसके भी वही हकूक़ है, उसकी भी जान की वही हैसियत है जो मुसलमान की जान की हैसियत है। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस तैयब में वाज़ेह लफ्ज़ों में आपने इरशाद फरमाया कि दिमाहुम का दिमाइना व अमवालुहुम का अमवालिना औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, यानी मुआहिदा करने वाले और ज़िम्मियों के माल भी तुम्हारे मालों की तरह है, उनकी जान भी तुम्हारी जानों की तरह है, अगरचे वो गैर मुस्लिम है उनकी हिफाजत की जाएगी। फरमाया कि अगर वो मुआहिदा करने वाली कौम से उसका ताल्लुक़ है, अगरचे वो मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, फ़दियतुन मुसल्लमतुन इला अहलिही, तो उस जिसको कत्ल किया गया है उसके घर वालों को पूरी की पूरी दियत दी जाएगी, पूरा खून बहा दिया जाएगा। वा तहरूरु रक़बति मुमिना, और फिर एक आज़ाद एक मोमिन ग़ुलाम को आज़ाद करना होगा। अब यहाँ पर एक बात की तरफ और मैं तवज्जो करा दूँ कि इस्लाम ने अक्सर मुकामात पे कुफारे के तौर पर ग़ुलाम को आज़ाद करने का हुक्म दिया है। तो अब ये इस्लाम का एक तरीक़ाकार था कि जिससे आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम ग़ुलामी को ख़त्म करना चाहता था, तो ये मोमिन ग़ुलामों को आज़ाद इस्लाम ने करवाया। यहाँ तक कि एक ज़माना वो आया सैयद उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में कि ये मामला बहुत कम हो गया था, और बाद में अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्लाम की बरकत है कि ग़ुलामी को इस्लाम ने मिटा दिया। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने मना कर दिया था कि जिसकी माँ ने उसे आज़ाद जना है तो हम उसको कैसे ग़ुलाम बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर मज़ीद हुक्म बयान किया जा रहा है कि अगर जिसके पास ग़ुलाम नहीं है, इतना माल नहीं है कि ग़ुलाम हो वो आज़ाद कर दे, फ़मन लम यजिद फ़सियामु शहरैन मुतताबिऐन और जिसे ग़ुलाम ना मिले तो वो 2 महीनों के लगातार रोज़े रखे। अभी 2 महीनों के लगातार रोज़े रखना वो इस तरह से है कि दरमियान में कोई गैप ना आए, उनके अंदर ना तो माह रमज़ान दरमियान में आए और ना ही उस दौरान में ईदैन वगैरह आए कि जिसकी वजह से उन रोज़ों में गैप आ जाएगा। क्योंकि जब भी उसमें फ़ासला आ जाएगा वो तसलसल टूटेगा, तो अब फिर असर नो दोबारा 2 महीने के रोज़े रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर इसलिए 2 महीने की लगातार कैद लगाई। तौबतम मिन अल्लाह, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तौबा का तरीक़ा है। वकान अल्लाह अलीमन हकीमा, और अल्लाह तबारक व तआला बहुत इल्म वाला है और हिकमत वाला है। उसके बाद फिर कत्ल अमद की सज़ा को बयान किया जा रहा है, कत्ल अमद के बारे में हुक्म बयान किया जा रहा है। तो उसकी मुख्तसर से मैं तफसील अर्ज़ कर दूँ कि हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला का वाक़िया है कि एक गज़बे के मौके पर उनके हाथ से एक मुसलमान कत्ल हो गया था। तो उसका नाम जो मुहद्दिसीन ने बयान फरमाया उसका नाम था मरदास बिन फुज़ैक अल-फ़ज़ारी। ये नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर होकर मुसलमान हो चुके थे, लेकिन मुसलमानों को सबको इसका इल्म नहीं था। तो जब उस कबीले पर मुसलमानों ने लश्करकशी की तो वो लोग भाग गए, मुकाबला किया। हज़रत मरदास रदी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त समझते थे कि तुम मुसलमान हो, ये अपनी बकरियाँ लेके पहाड़ी पर चले गए थे। तो वहाँ पर मुसलमानों ने जब उनके कौम के लोगों को कत्ल किया और जब तलाश करते हुए इन तक पहुँचे तो हज़रत उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह तआला अन्हु जब सामने आए तो इन्होंने कलिमा तैयबा पढ़ा और अस्सलामु अलैकुम भी कहा। हज़रत उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हु समझे कि ये अपने माल को बचाने के लिए, बकरियों को बचाने के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए मेरे सामने कलमे का तलफ़ुज़ कर रहा है, तो आपने उसे कत्ल कर दिया। जब नबी अलैहिस्सलाम के बारगाह में ये वाक़िया पहुँचा तो आपने उनको इरशाद फरमाया कि हल्ला शक़्क़ता क़ल्बहु, तुमने उनका दिल चीर के क्यों ना देख लिया कि वो मुसलमान था या नहीं। तो उसी बारे में इरशाद फरमाया वमन यक़्तुल मोमिनन मुतअम्मदन,
متعمدن, تو جو کوئی بھی مومن جان کو جان بوجھ کے قتل کرے, فجزاؤ جہنم خالدن فیہا, تو اس کی جزا, اس کا بدلہ جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے. وغضب اللہ علیہ, اور اللہ اس پہ غضب فرماتا ہے, ولعنہ, اور اس پہ لعنت فرمائے گا, وعد لہ عذابا عظیما, اور اس پہ اللہ تبارک و تعالی بڑا عذاب نازل فرمائے گا. پھر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ, اے ایمان والو, جب تم زمین پر نکلو, لوگوں سے ملو, جہاد کے لیے نکلو, تو ہر ایک کو قتل نہ کرو, فتبینوا, پوری طرح تحقیق کر لو, لا تقولوا لمن القى الیکم السلام سلام, تو اس کو نہ کہو جو تمہیں سلام کہتا ہے, لست مومنا, تم مومن نہیں ہو, تبتغون ارض الحیات الدنیا, کیا تم دنیا کا مال چاہتے ہو, فعند اللہ مغانم کثیرہ, تو اللہ کے پاس بہت ساری غنیمتیں ہیں, کذلک کنتم من قبل, اسلام سے پہلے تمہارا بھی یہ حال تھا, تم بھی مسلمان نہیں تھے, کلمہ طیبہ پڑھ کے تم مسلمان ہو گئے, تو اگر تمہارے سامنے کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی مسلمان جانو, فمن اللہ علیکم فتبینوا, تو اللہ نے تم پر احسان کیا, تمہیں مسلمان کر دیا, تو تم تحقیق کر لو, ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, اور بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. تو یہاں پر غلطی سے جو معاملہ ہوا تھا اس کو بھی بیان کر دیا. پھر اس کے علاوہ یہ کہ مومن کو جان بوجھ کے قتل کرنا جس میں کوئی اشتباہ بھی نہ ہو, تو اللہ نے اس کو عذاب عظیم اس کے لیے فرمایا ہے, اور فرمایا کہ اس پہ اللہ کا غضب بھی ہے اور اس کے اوپر لعنت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو جو مسلمان ہو کر مسلمانوں کو قتل کرے, اور ہمارے زمانے میں یہی ہو رہا ہے, تو ان لوگوں کو اس آیت طیبہ سے سبق لینا چاہیے کہ وہ آج دنیا میں اپنے سیاسی جتھے کی وجہ سے, اپنے دینی جتھے کی وجہ سے وہ لوگوں سے بچ جاتے ہیں, لیکن کل کیا اللہ سے بھی بچ جائیں گے وہ لوگ؟ کیا اللہ کی غضب سے, اللہ کی لعنت سے بچ جائیں گے؟ اللہ نے جو جہنم ان کے لیے تیار کی اس سے بچ جائیں گے؟ تو اگر سمجھتے ہیں کہ نہیں بچ سکیں گے, تو پھر ان کو اپنے ہاتھوں کو روک لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے. انشاءاللہ مزید آیت کے حوالے سے گفتگو اگلے پروگرام میں کی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.